सुहाग रात पर ही दुल्हन ने जब दिया बच्चे को जन्म तो पूरे मोहल्ले में मच गया शोर। नई नवेली दुल्हन को जब लेकर पहुंचे अस्पताल, फिर जो हुआ जानकर आप लोग भी हो जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं गगनदीप और आप सब देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मंगलवार को दुल्हन विदाई के बाद ससुराल पहुंची। घर पर सभी लोग प्रसन्न थे, बधाई गीत से घर गूंज रहा था। गांव के लोगों का नवविवाहित जोड़े को बधाई देने के लिए घर पर तांता लगा हुआ था। उसी दिन उनकी सुहागरात थी, लेकिन इससे पहले ही शाम को ही दुल्हन के पेट में तेज दर्द होने लगा। घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, वहां जाकर जो पता चला उसे जानकर घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया। मामला किशनी थाना के कुसमरा चौकी क्षेत्र के एक गांव का है। यहां मंगलवार को घर में एक नई नवेली बहू विदा होकर आई थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शाम को बहू के पेट में अचानक से तेज दर्द होने लगा। घर वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर पता चला कि यह असहनीय दर्द प्रसव पीड़ा का है। इसके बाद परिजन उसे लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे। यहां बहू ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद ही पति और ससुराली जन ने हंगामा शुरू कर दिया। दूल्हे ने कहा कि यह बच्चा उसका नहीं है। घर वालों ने बहू को साथ रखने से मना कर दिया। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हंगामा देख और भी तमाशबीन लोग वहां पर जुट गए। सुबह तक यह खबर लोगों में फैल गई। अमर उजाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी होने पर बुधवार को महिला समाज सेवी आराधना गुप्ता अस्पताल में पहुंची। उन्होंने दूल्हे और परिजनों को समझाकर मामला शांत किया, साथ ही बहू को साथ रखने के लिए उन्हें तैयार किया। बातचीत में पता चला कि बहू कोई अनजान लड़की नहीं, बल्कि परिवार की बड़ी बहू की छोटी बहन है, यानी दूल्हे के बड़े भाई की साली है। बात करने पर दूल्हे ने बताया कि शादी से पहले ही उन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। यह बच्चा उसी का है, यह बात उसे पहले से ही पता थी, इसलिए आनन फानन में उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन यह अनुमान नहीं था कि सुहागरात के दिन ही प्रसव हो जाएगा। पूरी बात सामने आने के बाद घर वाले बच्चे और प्रसूता को हंसी खुशी अपने साथ घर पर ले गए। इस खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।